हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लावा ब्लेज 2 एंड्रॉइड 12 फ़ोन में आप अपने ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ को किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो हमारा ब्लूटूथ जो है कनेक्ट नहीं हो पाता है, यानी कि हमारे ब्लूटूथ में कनेक्टिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आपको इस ब्लूटूथ को बंद करना है, और यहाँ पर आपको जो है ना इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ना नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ना, कभी कभार ये प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लूटूथ में कनेक्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड सिस्टम पर आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको जो है रीसेट ऑप्शन पर टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पर टैप करना है। तो यहाँ पर जो तीन सेटिंग आप देख रहे हैं, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में पहले से इंक्लूडिंग रहती है। ठीक है ना, आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको अगले पेज में दोबारा से इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। ठीक है, तो आपको जो है थोड़ी देर में यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी जो है अपडेट आता है तो हमें कभी कभार पता नहीं चल पाता है। तो मोबाइल फोन का जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो आपके जो मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको करना यह है कि आपको अपने फोन को रीस्टार्ट करना है। फोन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज आएगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ही ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। अब दोस्तों यहां पर जो है ना आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन की ना एपीएन सेटिंग को आपको रीसेट करना है। ठीक है, मोबाइल फोन की एपीएन सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको जो है मोबाइल फोन का सेटिंग पेज आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन करेंगे, इसमें आपको सबसे ऊपर की साइड नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टैप करना है। इसके अंदर आपको मोबाइल नेटवर्क पर टैप करना है। इसके अगले पेज आपको है ना सबसे नीचे वाला ये ऑप्शन टैप करना है, एक्सेस पॉइंट नेम का। इसके अगले पेज आपका ये एपीएन का होगा, इसमें आपको सबसे ऊपर थ्री डॉट पे टैप करना है। तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। आपको नीचे की साइड यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग। तो इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन की एपीएन सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर आपको सबसे आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको जो है ना सबसे नीचे आपको इस सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो आपको ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस आपको बताए सारे आपको यूज करने हैं, तो इससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।